ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि जो वुमेन सेल होता है ना, एक होता है वुमेन कमीशन, यानी कि नेशनल लेवल पे होता है ना जो स्टेट वुमेन कमीशन, एक होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बनाते हैं ना, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं उनको, लोक अदालत की तरह बनाता है, मतलब उसका कॉपी होता है ऐसे, तो उसमें जानने का मतलब कोई क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मान लो आप वुमेन सेल कमीशन में जाते हो ना, किसी की कंप्लेन करते हो, ठीक है, तो देखो यार वो ना तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होती है जैसे कि जिसके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है थोड़ी बहुत, 1908 पावर ऑफ सिविल कोर्ट, पावर ऑफ सिविल कोर्ट यानी कि किसी को सम्मन देना, किसी को बुलाना, किसी के डॉक्यूमेंट्स चेक करना वगैरह वगैरह, तो ना तो उसके पास वो है, ना तो वो क्वासी जुडिशियल है, ना ही वो जुडिशियल बॉडी है, वो बस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। वो क्या करते हैं, वो बस आपका मतलब सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे, सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे। सपोज वाइफ को घर जाना है और हस्बैंड वाली दख रहनी है, ठीक है, अब वाइफ सोचती है कि यार मतलब उसको कोई सलाह देता है कि भाई वुमेन कमीशन में मतलब वुमेन सेल में वो डाल दो ऐसे ऐसे और वो आपको भेज देंगे, तो आप वहाँ जाते हो, वो क्या करते हैं हस्बैंड को बुलाते हैं, भाई आओ, ठीक है, मतलब उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसको बुलाते हैं, वाइफ को बुलाते हैं, आपस में बैठ के एक टेबल पे बैठ के सेटलमेंट सा कराते हैं कि यार तुम क्यों लड़ते हो, इसने मतलब उसकी सुनी जाती है, होता है ना जैसे कि थर्ड पार्टी सुनती है उन दोनों की बातें कि भी तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ जो तुम रहना नहीं चाहते, मान जाओ बेटी को घर बसाना है, देखो ऐसे ऐसे सब कुछ, अगली का खर्चा हो गया है और कहाँ जाएगी, मतलब ये सब है, ठीक है, ये हो गया, मतलब मैं आपको बताने का मतलब ये है, ये हो गया कच्चा काम, ठीक है, कच्चा काम, समझो ना, कच्चा काम, यानी कि सेटलमेंट करा दिया, कोई कोर्ट से वैक्सीन यूज़ नहीं कर सकती, अब वो हस्बैंड को कोई ये नहीं कहेगी भाई रख इसको, समझ रहे हो, ऐसे नहीं बोल सकती, तो कच्चा काम हो गया, ना ही उसके पास कोहिड से फोर्स है कि भाई रखना ही पड़ेगा। अब कोविड से फोर्स किसके पास है, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो है कोर्ट के पास, कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं ना वो बाइंडिंग होते हैं। अब सपोज आपको घर जाना है ना, और तो आपको सेक्शन 9 करना पड़ेगा, और पक्का काम होता है ना, जो पक्का काम, अगर आपको बिल्कुल पक्का काम चाहिए तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि यार वो फैमिली डर जाएगी थोड़ी बहुत, वुमेन सेल में कमीशन वो करेंगे कंप्लेन तो डर जाएगी, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेक्शन 9 ही डालो, कोर्ट में जाके टाइम वेस्ट करो, सेक्शन 9 होता है लास्ट रिसोर्ट कि भैया वहाँ दोगी, अब ये मान नहीं रहे, हम कोर्ट से ऑर्डर ले लेंगे कि भाई इसको रखना पड़ेगा, वाइफ को एंट्री चाहिए, राइट है। और कुछ लोग बहुत मैंने पार्ट बनाए हैं हमने बहुत सारे कि भाई आपको रखे ना, तो यार देखो आपका राइट है, ठीक है, राइट टू रेजिडेंस इन मैरिटल होम, आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको ये मिल जाएगा, रहने का अधिकार है, अगर आपने शादी की है ना, वो फेरे लिए हैं तो आपको रहने का अधिकार है, वो बात अलग है, आपको मतलब आप जा नहीं रहे वहाँ पे, आप वो, ठीक है, तो उसके भी मैंने आपको बताए थे मोड्स, मोड्स यही है कि आप यार किसी पुलिस वाले को ले जाओ, अपने जानकार वालों को, ठीक है, या फिर कोई आपका अच्छी सी पोस्ट पे हो फैमिली में उसको ले जाओ कि भाई ऐसा है, रहने क्यों नहीं दे रहे आप, मतलब उसको समझाओ ना ऐसे, ठीक है, और बातों से ही काम करो, कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार क्वेश्चन मतलब ये आता है, हाँ सपोज केस चल गया सेक्शन 9 का, ठीक है, तो अब क्या सेक्शन 9 जब डिक्री पास करेगा तभी जाएंगे, उससे पहले भी जा सकते हैं, सर उससे पहले भी जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भी सेक्शन 9 करोगे कोर्ट जब तक डिग्री पास नहीं करेगा तो वो आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 9 डील करता है कोहैबिटेशन में, ठीक है, कोहैबिटेशन आप समझते हो शादी के बाद वाले काम, यानी कि शादी में जैसे कि रहते हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं ऐसे, और रहने का अधिकार अलग है, ठीक है, आपको राइट है, राइट टू रेजिडेंस, रहने का अधिकार है, वो बात अलग है, यार अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आप या तो ज़बरदस्ती करो, ठीक है भाई, राइट है, पब्लिक इकट्ठी करो, न्यूज़ में लाओ, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आप एनजीओ से बात करो, एनजीओ, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी बोलते हैं इसको, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, आपको नेट पे काफ़ी सारे नंबर मिल जाएंगे, फेमस फेमस आप लिखो कि भाई बेस्ट एनजीओ इन इंडिया हु वर्क्स फॉर वुमेन, ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो अपने स्टेट के हिसाब से जो भी है, तो वहाँ पे ले जाओ, अपनी बात को बड़ा करो, पर वो ये ना जितना बड़ा करोगे यार फैमिली इशू है ना, रहना तो आपको वहीं है, तो देख लो। और नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि भाई आप वेट कर लो सेक्शन 9 की डिग्री पास होने का, ठीक है, ओके। और इससे भी नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि भाई सेटलमेंट कर लो, आप बोल दो कि भाई अब जो गलती थी मेरी, जो मैंने जैसा भी किया था मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि देखो यार वो रख नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, मतलब डिस्प्यूट वाली, मैं ही नहीं कह रहा आपकी गलती है, डिस्प्यूट वाली बात होगी ना, तो थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा सॉरी फॉर फील कर लो कि हाँ यार चलो ठीक है, अपना घर बसाना ही है वो, या फिर उनको लालच दे दो कुछ, समझ रहे हो, इंसान है अब क्या करे, लालच तो देना पड़ता है ना, तो उस वहाँ पे लालच दे दो कुछ कि भाई रख लो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसे मिल जाएगा। अगर आप मतलब थक लियो तो यार देखो सेक्शन 9 डालो कोर्ट के, मतलब
कोर्ट जाओ, ठीक है, ये वुमेन सेल में बात नहीं बनेगी, क्योंकि वुमेन सेल में वो जाते हैं जिनका छोटा मोटा होता है, अब जिन्होंने बिल्कुल बेशरम होता है, जो रखने के लिए तैयार नहीं है। वैसे देखा जाए ना, अगर मान लो आप हमारी ओपिनियन पूछते हो, तो यार देखो ये गलत है, अब शादी करके ना मतलब वाइफ को ना रखते नहीं है, तो यार बहुत गलत है ये। कल को यार तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो जाए, मान लो कोई शादी कर ले उसको रखे ना, ठीक है, कोई भी बात, मतलब अगली तो घर छोड़ के आई है ना यार, दहेज देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसकी फैमिली वाले धूमधाम से शादी करते हैं, और फिर रहने का अधिकार ही तो मांग रही है, उसको तुम रखते नहीं हो, तो गलत बात है ना ये तो। हालांकि उसका राइट है, अधिकार है रहने का, चलो यार रहने तो दो कम से कम, जो भी उससे काम वाम करवा लो, मतलब होता है काम तो करवाते ही हो, मतलब शादी भी हुई, बहू भी मतलब मिली, और सामान वामान मिला दहेज का, सब कुछ मिलता है, फिर भी ना मतलब ऐसे ही लोग मेंटेनेंस के नाम पे ऐसे घबरा जाते हैं, भाई मेंटेनेंस लग गया, अरे यार तुम्हारी शादी हुई थी, ठीक है, तुम्हें कुछ मिला भी था, दहेज मिला था, ठीक है, लाखों में करोड़ों में जो भी है अपनी औकात के हिसाब से तुम्हारी, तो महीने का तुमने एक बार मेंटेनेंस पे करने की बात आ भी गई, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई है? उस टाइम तो तुम्हारा मुंह मत बंद नहीं होता कि भाई दहेज में ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तब तो तुम कह देते हो आपकी मर्जी है जो भी दे दो, है? और थोड़ा सा मेंटेनेंस देने में तुम्हारी ऐसे ऐसे हो जाती है कि भाई यार मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये हो तो यार देखो रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, ऐसी बात नहीं है भाई, कल को आपके भी बच्चे होंगे, उनके साथ ऐसा हो जाए, गुड़िया हो जाए, कोई लड़की हो जाए उसके साथ ऐसा हो जाए, उसका हस्बैंड उसको ना रखे, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो रखना चाहिए यार, मतलब सेटलमेंट सेटलमेंट कर लो, डिस्प्यूट है सुलझा लो, क्यों कोर्ट में जा रहे हो, सुलझा लो, ठीक है। और देखो फाइनल ऑप्शन है, आप सेक्शन 9 करो, वाइफ के लिए बोल रहा हूँ, और सेक्शन 9 करो, आप वेट करो, कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो ये कोर्ट का वाला काम होगा, ठीक है। और आउट ऑफ द कोर्ट आप सेटलमेंट ना करो, सपोज एक चीज़ और देखिए, वुमेन सेल में क्या होता है, कमीशन वो कर लेते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे मीठी मीठी बातें करेंगे डर के मारे कि हाँ भी रख लेंगे, फिर बाद में रखते नहीं है, ठीक है, फिर आप दोबारा चक्कर काटते हो। अब कोर्ट का ये तो है डिसीजन दिया है, कल को कुछ डिफॉल्ट करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हो जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। अब वुमेन सेल कोई वो तो नहीं है जुडिशियल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि देखो यार सारे जो फैमिली है ना, सारी फैमिली इकट्ठी कर लो, ठीक है, वहाँ पे जाओ धरना दो कि भाई मेरा घर है, पड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे कर लो कि भाई ये रहने नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं रहने दे रहे, इसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है, और इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और हमने वीडियो कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं, वो आप उनको जाके देख सकते हो, ठीक है। सही हो, इट इज़ क्लियर, चल मैंने।